हेलो एवरीवन, आज जीरोडॉल एसपी के बारे में सारी डिटेल में हम समझेंगे। जीरोडॉल एसपी जो टैबलेट है, इसके यूजेस क्या हैं और ये इपका कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इपका कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसकी जितनी भी दवाइयां आती हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जीरोडॉल एसपी के अंदर तीन चीज़ें बेसिकली मिलाई गई हैं, एसिक्लोफिनेक, सेरापेप्टाइडेज एंड पैरासीटामोल, और इसका नाम है जीरोडॉल एसपी। ये एप्रोक्स आपको बहुत कम पैसों में मिल जाती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हम किसी अन्य दवाई की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा महंगी होती है और उसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा कोई खास अच्छे नहीं होते, लेकिन इसके जीरोडॉल एसपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कहाँ कहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं? जीरोडॉल एसपी टैबलेट को रिलीविंग पेन, इन्फ्लेमेटरी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, वोन्स कंडीशन सच एज अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड इंजुरी, यानी कि जीरोडॉल एसपी यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स, जॉइंट्स, वोन्स इन कंडीशन सच एज अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड इंजुरीज, इन प्रकार की बीमारियों में इस टैबलेट को हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है या दर्द हो रहा है शरीर में, या फिर आपको जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हड्डियों का दर्द है, या फिर आपको स्वेलिंग है, हड्डी की कुछ सर्जरी हुई है, बोन सर्जरी हुई है, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद में जब कोई पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो उसमें भी यूज करते हैं। अगर अर्थराइटिस किसी को है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें भी यूज कर सकते हैं, इंजरी अगर किसी को है तब भी हम इसे यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर ऑपरेशन एंड सर्जरीज फॉर रिलीविंग पेन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। यानी कि ऑपरेशन होने के बाद जब मरीज को स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इस दवाई का उपयोग करते हैं। इस दवाई का यूज हम इजीली तरीके से करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें बेसिकली बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के ज़्यादातर देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं और उनको घबराहट, बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं, तो उनको लगता है कि ये दवाई जो है हमें गर्मी कर जाती है। तो जीरोडॉल एसपी जो है इसके बहुत ही अच्छे यूजेस हैं। इन्फ्लेमेशन में बहुत अच्छा यूज होता है, इन्फ्लेमेशन है शरीर में, सूजन है कहीं, तो बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जीरोडॉल एसपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजनेस हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। नोजिया का मतलब होता है मरीज को उल्टी जैसी इच्छा होना, वोमिटिंग का मतलब होता है मरीज को उल्टी हो जाना, और डिजनेस का मतलब होता है पेशेंट को चक्कर आना, इनडाइजेशन का मतलब होता है खाना सही से नहीं पचना, स्टमक पेन का मतलब होता है पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना, डायरिया का मतलब होता है ब्लॉटिंग होना, और ब्लॉटिंग डायरिया का मतलब होता है दस्त होना, और ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेट फूलना, गैस बनना, और स्टमक अल्सर यानी कि पेट में छाले होना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं जीरोडॉल एसपी टैबलेट की वजह से। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो जीरोडॉल एसपी एक सेफ मेडिसिन है, प्रेगनेंसी में इसे थोड़ा सोच समझ के लें, एल्कोहल के साथ में इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं लें, और अगर आपके कोई अदर मेडिसिन चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें कि आप कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कोई और दवाई चल रही होती है और हम अपने मन से इस तरह की दवाइयाँ यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज, किस तरह से हम इस दवाई को यूज कर सकते हैं? जीरोडॉल एसपी टैबलेट शुड बी टेकन एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन और योर डॉक्टर। वैसे तो इस दवाई को हम बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए, और अगर डॉक्टर ने हमें इसे सजेस्ट किया है तो हम इसे एक गिलास पानी के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यानी कि जैसे हमने अभी खाना खाया और हम एक टैबलेट पानी के साथ, पानी से खा लें, एक टैबलेट खा लिया और ऊपर से हम पानी पी सकते हैं। इस तरीके से हम इस टैबलेट को ले सकते हैं, और यूज़ होने का जो डायरेक्शन है वो बहुत सिंपल है, आसान है।
तो इस टैबलेट को बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इस टैबलेट का इन्फ्लेमेशन में बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो इन्फ्लेमेशन और अगर किसी को स्वेलिंग होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस टैबलेट को यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में। थैंक यू।